कोकनी ताल्लुक से उधर पे जो है एक भी भाषण नहीं हुआ। वहाँ पे डायरेक्ट जो है मुमरा कोसा के एमएलए पे निशाना ताना गया था। अब बीजेपी को वही सपोर्ट करेगा मुसलमान जिसकी गैरत मर गई होगी। क्या आप कोकनी समाज का प्रोग्राम रखे हैं तो वहाँ पे कोकनी समाज के ताल्लुक से बात होना चाहिए थी कि यहाँ के एमएलए को डराओ, सिर्फ अपना भाव बढ़ाने का काम चल रहा है, किसको ना किसको कुछ ना कुछ चाहिए। और जितने बड़े लोग रहते ना कान के कच्चे रहते, तो खाली तुम आवाज सबको इस्तेमाल किए। आज वही पुतला जला रहा है जिसको शिवसेना से राष्ट्रपति में लाए थे। मुमरा कार्यकर्ता के सो रहे हैं, मर गए, क्या हो गया उनको मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 3.5 लाख के पानी को 12 लाख के अंदर फिराया जा रहा है। अरे जो रिजर्वेशन की कल जो बात कर रहे थे आपके इंटरव्यू में, वो खुद हॉस्पिटल रिजर्वेशन की बिल्डिंग बनाए सैफरोन। एक गार्डन बना देखो घास वाला के पास, आप जाके देखो चालू क्या बंद है। कहां गया तुम्हारा वो बड़ी स्क्रीन लगी थी जहाँ तुम्हारे फोटो चल रहे थे? आज रिक्शा स्टैंड के ऊपर बिल्डिंग बन गई। साजिद भाई आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, पत्रकारों को बुलाया है, क्या पूरा मामला है, क्या बताना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बताना ये चाहता हूँ मुमरा कोसा के जितने भी हमारे आवाम जो है, हमारे भाई बहन जितने बुजुर्ग है, उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज मुमरा के हालात को वापस से एक बार देख के फिर मुझे आना पड़ा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा नूरबाग हॉल के अंदर एक कोकनी समाज का जो है एक मेला हुआ था। तो जहाँ तक मेरी सोच है, मैं तो राजनीति में बहुत छोटा हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है कि कोकनी समाज जो है मतलब वो अपने भाई से है, कोकनी भाई अपने भाई है, अपनी बहन है। मेरे बोलने मतलब कि उस कोकनी ताल्लुक से उधर पे जो है एक भी भाषण नहीं हुआ। वहाँ पे डायरेक्ट जो है मुमरा कोसा के एमएलए पे निशाना ताना गया था। और आपने देखा कि जैसे मैंने एक उत्तर भारतीय, जैसे मैं भैया हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि यूपी फाउंडेशन का मैं कुछ प्रोग्राम रखूँ तो मैं सोचूँ यूपी को जो मुमरा कोसा में लोग रहे उसको बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में क्या काबिलियत थे वो करूँ। मगर वहाँ कोकनी समाज को बढ़ाने के लिए आगे फ्यूचर के लिए वहाँ पर ये सब बातें नहीं हुई। वहाँ पर मैंने ऐसे जो न्यूज़ सुना था थोड़ा मतलब क्या, हम तो बीजेपी को सपोर्ट किए। अब बीजेपी को वही सपोर्ट करेगा मुसलमान जिसकी गैरत मर गई होगी। यहाँ गैरत तो मरी नहीं है, और ना इतने बुरे वक्त आए, ना सत्ता की लालच है, ना नगर सेवक बनने की लालच है। जो मैं हम लोग जो है मुमरा कोसा के लोग उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिस तरह से वो कार्यक्रम हुआ था उसमें आप कह रहे कि सत्ताधारी को जो है टारगेट किया गया, ऐसा कहा जा रहा है कि उसी सत्ताधारी के लोगों को उसी कार्यक्रम में बुलाया भी गया था। देखो कैसा है ना, अभी मैं तो ये सोचता हूँ जैसे कोकनी समाज के जैसे दावत थी कोकनी समाज को, तो मैं मंच पे देखा हूँ, जैसे प्रेस के ताल्लुक से मैं देखा हूँ, जो लाइव चलने के ताल्लुक से देखा हूँ फेसबुक पे या किसके भी पर्सनल लाइव चलने पे देखा हूँ, तो मैंने स्टेज पे देखा हूँ कि हमारे मुमरा कोसा के जो एक्स मेयर माजी महापौर नईम खान साहब, वो कोकनी नहीं है, मेरे ख्याल से पठान नहीं, भोपाल से ताल्लुक रखने वाले। मैंने भाई साहब को स्टेज पर देखा, जफर नुमानी को देखा, मैंने माजी नगर सेवक शालम भाई को देखा जो MIM से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने ऐसे तमाम लोग को जो देखा हूँ जो कोकनी नहीं है। पर जब वो कोकनी नहीं है तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं कोकनी नहीं हूँ, मुझे आपने इनविटेशन दिया है तो मेरा काम ये है कि जब मैं कोकनी नहीं हूँ तो मैं उस प्रोग्राम में जाके क्यों बैठूँ जब वो कोकनी प्रोग्राम था। या फिर आपको लिखना चाहिए मुमरा कोसा की आवाम का प्रोग्राम था या कोई भी एक फाउंडेशन का नाम देते, मगर वहाँ पर क्या नाम लिखा था? कोकनी फाउंडेशन। तो मैं फिर वो इनविटेशन को मैं क्यों कबूल करूं? तो ये खाली एक मेंटेलिटी थी कि यहाँ के MLA को डराओ, समझे कि था मतलब एक वजन दिखाओ अपना और अपना भाव बढ़ाओ। यहाँ कोई कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ अपना भाव बढ़ाने का काम चल रहा है, किसको ना किसको कुछ ना कुछ चाहिए। नजीब मुल्ला ने अगर उस कार्यक्रम से यहाँ के विधायक को टारगेट किया तो इस पर आपको क्यों एतराज है? एतराज नहीं है, एतराज नहीं, मगर बोलने मतलब ये है कि जब आप कोकनी समाज का प्रोग्राम रखे हैं तो वहाँ पे कोकनी समाज के ताल्लुक से बात होना चाहिए थी। ये तो आपने मंच पे लाके MLA को खड़ा किए, MLA की शुरू किए जो भी तुमको बोलने का था। देखो इस्लामपुर कैसा होता ना, मैं एक टाइम पे जुड़ा हुआ था उससे बरा, तो मैं भी जो है ना मुखालफत नहीं करता था क्योंकि मैं जुड़ा था। हाँ मतलब उस वक्त में मेरा बॉस था, मैं एक बड़ा भाई एक बॉस मानते थे, मगर कैसा कुछ काम अपने लिए नहीं हुआ तो इसका मतलब मेरे लिए गलत बोल कैसा। एक मैं तुम्हारे भरोसा किया हूँ तो उस भरोसे पर तुम मेरे लिए खड़े नहीं होते। और जितने बड़े लोग रहते ना कान के कच्चे रहते, समझे कि नहीं? जितने ही बड़े लोग, वो कोई भी रहें दो XYZ, मगर जितने बड़े लोग रहते ना कान के। मगर मेरी सोच ये है कि इस्लामुद्दीन भाई ने कहा मेरी जैसी कोई बुराई की है तो मेरा काम क्या बनता है? मैं उस लेवल का नेता हूँ तो मैं सामने जो जिसने मेरे को बोला है मैं उसको ला के सामना कराऊँ। मगर वहाँ पर वो चीज़ नहीं है, मतलब मेरे कान में किसने कुछ ने कुछ बोल दिया ना चुगलीखोरीपन, तो उनको यकीन मानना है। आपके ऊपर भी इल्जाम लग रहा है कि आप खुद बता रहे कि आप MIM में हो, MIM की बी टीम में हो और काम कर रहे हो आप जितेंद्र आवाज के लिए, ऐसा आरोप लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा आरोप है।
देखो कैसा है ना, मैं आज भी उस दिन मैंने आपको इंटरव्यू बोला था मैं MIM की बीट हूँ, भले ये टीम मेरे को समझे नहीं समझे, मेरे साथ वाले जितने मेरे साथ जुड़े हुए वो हम लोग MIM के आवाट साहब के लिए मतलब कैसे एक हमदर्दी जागरी, क्योंकि आज मुमरा कोसा का जो माहौल देख रहे ना, अभी जब आपने डेढ़ हफ्ता पहले देखे ना आनंद ब्रांच में जो है जो अल्लाह के नबी अल्लाह के वली की शान में जो गुस्ताखी किया था आनंद ब्रांच में, उसने वापस जो है एक मुमरा कोसे के MLA का पुतला जलाया। आज उसके बाद पुतला जलाने के बाद भी आज डेढ़ महीना डेढ़ हफ्ते हो गए हैं, मेरे को पता ना आज मुमरा कार्यकर्ता के सो रहे हैं मर गए क्या हो गया उनको, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उन लोग कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को नहीं तकलीफ हो रही तो आपको क्यों तकलीफ? मगर तकलीफ इस चीज की ना कि तुम उसके लिए खड़े तो उतरो ना भाई, समझे? मैं आज पार्टी में रहता, मैं खड़ा रहता तो मैं रोड पे खड़ो के जलाता ना पुतला, क्यों? खाली तुम फाइल के लिए हो, तुम टिकट के लिए हो, GP बिल्डिंग के लिए हो, तो खाली तुम अवार्ड साहब को इस्तेमाल किए, तुम्हारे साथ से अवार्ड साहब के लिए मोहब्बत ही नहीं है। आज तुमको मोहब्बत होती या तुम्हारे कुछ भी उसके लिए हमदर्दी होती तो आज तुम रोड पे खड़े होते हैं। आज वही पुतला जला रहा है जिसको शिवसेना से राष्ट्रपति में लाए थे, तो सुपारी कौन ली थी? सुपारी कौन ली थी? ये काम आपका है, ये आप उन लोग से पूछो। हाल फिलहाल अभी आप MIM में हो या आपका पक्ष आपने जो छोड़ दिया? मैं कोई पार्टी को नहीं छोड़ा हूँ, मैं MIM की आज भी बी टीम हूँ, कल भी रहूंगा इंशाल्लाह, परसों भी रहूंगा। MIM की बी टीम होकर आप जो है अवार्ड साहब की आप प्रशंसा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रोग्राम रखा जाता है MIM की तरफ से तो उसमें अवार्ड साहब को तो नकारा जाता है, तो आप सपोर्ट करेंगे अवार्ड साहब का? नहीं, कैसा है ना, जैसे उस दिन भी मेरा इस्लामुद्दीन भाई ने जब इंटरव्यू लिए तो ये सब बात हुई थी, मगर मैं आपको वापस से बताना चाह रहा हूँ कि कैसा है ना कोई चीज़ का। देखो ना, एक अपन जब किधर शादी करते हैं समझे, जैसे मैं UP का हूँ, अब मैंने कोकनी में शादी किया तो कैसा बोलते हैं, अरे भाई कोकनी भाई अपना साला ही होगा, बरा ना? तो यहाँ पे कैसा हो गया आपको मालूम ना, अवार्ड सब के साथ दूसरा कोई मुद्दा नहीं इन लोग के पास, बरा? मेरा सोच ये है, मेरी मेंटेलिटी ये है कि जमीन पे आके काम करो, क्योंकि मुझे खड़ा कहाँ से रहने का है तो मैं लोगों का काम करूंगा। आपने बबलू सैयद का इंटरव्यू सुना? हाँ मैंने कल सुना। बबलू सैयद ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ के नगर सेवक जो है वो विधायक जितेंद्र अवार्ड के बल पे चुनकर आते हैं, तो बबलू सैयद भाई को मेरा ये कहना है कि ऐसी बात है कि अवार्ड साहब का चेहरे से जो है लोग जीतते, तो फिर अवार्ड साहब को बोलो जो मुमरा में 23 वार्ड है पूरा अकेले लड़ने, बोलो उनको कहे कि MLA लड़ रहे, फिर जब उनको देख के चुन के आते हैं उनका कोई वजूद नहीं है। और नाले गटर की बात करोगे तुम, आज कहे 15 साल से हमारा कब्रस्तान जो था वो मिला नहीं एक चीज, अब वो आपके इंटरव्यू में बोलते हैं कि हमने कब्रस्तान तो दिए। मैं ये बोलता हूँ माहिती डाल के पता करो कि मुमरा कोसा के कोरोना के टाइम पे कितने लोग मुसलमान के अंदर कितने लोग की मतलब मौत हुई है, वो माहिती डाल के निकालो कि बाहर के लोग कितने वहाँ पे आके दफन हुए। आज हमारा जो रिजर्वेशन था वो हमको मिला क्या? आप बोलते हैं कि MMLE के पीछे स्लेटर हाउस है, सिर्फ ओपनिंग हो रही 2013 में कुछ ओपनिंग की लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी का है इब्राहिम राउत भाई बोलते हैं कि नजीब भाई देंगे, नजीब भाई तो 2013 में जुड़े हुए थे ना, तो क्यों नहीं दिया अभी तक? मुमरा कौशल को दे क्या रहे तुम? रेती बंदर का रोड दिखा रहे? अरे भाई TMC नहीं थी? TMC के हाउस के अंदर आवाज़ सब बैठते क्या? कैसा कैसा था असलम भाई? मेरी ना मेरी कैसे एक अच्छी नेता से अच्छी ना तो उस वक्त सब अच्छा रहता है, जहाँ खराब हुई ना तो फिर सब खराब दिखता है। बरा जितने भी रोड तुम बोल रहे ना आज 2008 के अंदर पास हो गए थे, आवाज़ सब कब आए 2009 में, बरा ये महासभा के अंदर ठहरा होता है कि कब कौन से मुद्दे कौन सी फाइल पास करने की है, फिर वो ठहरा होने के बाद स्टैंडिंग में वो ठहरा होने के बाद महासभा मुद्दा उठता है। तो ये 2008 के अंदर पूरे मुमरा कोसा के रोड पास हो गए थे। वो तो आपने हर भाषण में कहते हैं कि मैंने मुमरा की सब गलियां कंक्रीट कर दी, पानी आ गया, ये आ गया, वो आ गया। पानी के ताल्लुक से ऐसा बोलूंगा ना इस्लाम भाई, देखो आज भी ना हम लोगों को ना पानी रेंट पे मिलता है, थाना महानगर पालिका जो है ना अपने को रेंट पे पानी देते हैं MIDC से लेके, आप सुनो मेरी बात को, उस MIDC जो पानी रेंट पे देती ना तो 3 लाख 3.5 लाख आबादी को देती, बराबर? अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज मुमरा कोसा की आबादी 12 लाख के ऊपर है और पानी कितने लोग को मिला है? 3.5 लाख के पानी को 12 लाख के अंदर फिराया जा रहा है, तो ये पानी की कटौती कम हो रही या बढ़ रही? आज नगर सेवक कोई खड़ा रहता है वो टैक्स के मुद्दे बात करता है क्या? आज टैक्स बढ़ते जा रहा दिन बनी, कोई बात कर रहा टैक्स के ऊपर? नहीं, वो गटर का फोटो आएगा, वो रोड नाले का फोटो आएगा, बस उसी पर सीमित है, उससे आगे बढ़ रहे क्या? वो आवाम के लिए एक नगर सेवक जो कुछ चुन के आता है वो आवाम के लिए क्या फैसिलिटी दे रहा है, इनसे ये पूछो आप।
कि आवाम की फैसिलिटीज के लिए क्या, आज हमको चुन के एक एक जगह खड़ा कर रहे हैं बोलने के लिए हमारे को, तो उधर भी क्या है? अच्छा, जो नगर सेवक है, जो मुमरा के माजी नगर सेवक है, उस सब अभी कुछ ना कुछ जो थोड़े बहुत आपने बताया, जैसा आपने कहा ना कोकनी समाज का कार्यक्रम था, उसके अंदर मैंने अलग अलग लोगों को देखा जिनका कोई काम ही नहीं था, जो कोकनी समाज से जुड़े नहीं थे, भाई साहब हो गए, जफर नुमानी जी हो गए, या माजी महापौर प्रेम कांडी, तो इनका जाने का वहाँ कारण क्या है, क्यों गए? देखो कैसा होता ना, नईम भाई तो बंगले से बाहर ही नहीं निकल रहे, बंगले के गेट के अंदर ही रहते, कैसे की नहीं। अभी जैसे नजीब भाई थोड़ा एंटिक दिखा रहे, तो अभी मुमरा के जितने एंटिक लोग थे, ये पार्टी में भी रह के भी ना, जफर भाई पार्टी में रह के एंटिक चल रहा। अभी देखो ना, कुछ साल पहले भी देखे थे कि कुछ लोग खिलाफ गए थे, तो आज तक जफर भाई ने उनसे दोस्ती नहीं तोड़ी। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो समझदार होंगे समझ जाएंगे, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मगर उनसे दोस्ती तोड़ी नहीं। तो एक जगह पे रह के आज अपन लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कम से कम अपनी ईमानदारी दिखाना चाहिए अपने को, समझे कि नहीं? क्योंकि आदमी ने आपको टिकट दिया है, मगर आपको जब टिकट दिया है तो टिकट देने के बाद आपके लिए आदमी ने मेहनत किया है, ठीक है, कुछ मेहनत उसकी थी, कुछ संबुल की थी, कुछ आपकी थी, बर उसकी वजह से फिर आपको अल्लाह ने जीत दी। तो मैं सोचता हूँ कि वो आदमी के लिए आपको खड़ा होता था सीधा, आज हल्का सा वक्त उसका डगमगाया है, समझे कि नहीं? तो उनको जो है ना, उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा नहीं चाहिए। और रही बात जब मेरी ए टीम वाले मुझे कुछ समझे नहीं समझे, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं असद साहब को चाहता हूँ, मैं चाहूँगा इंशाल्लाह, उनके बोलने में मेरी चाहत कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि बार बार आप जो है आवाज़ साहब को लेके, उनके जो भी उनके उनके ऊपर बीत रहा है उसको लेके आप बार बार कैमरे के सामने आते, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप राष्ट्रवादी से जुड़ोगे एंड मोमेंट पे, जब भी चुनाव का समय आएगा और राष्ट्रवादी के टिकट पे आप चुनाव लड़ेंगे नगर से? नहीं, पहले तो बोल दूं, मैं को इलेक्शन नहीं लड़ने का है, मुझे खासकर मुझे मेरे परिवार को समझ है, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे मेरे घर से कोई लड़ेगा तो मैं सपोर्ट करूँगा, बराबर, मुझे नहीं लड़ना है। दूसरी चीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैं आपकी न्यूज़ जैसे बोल रहे इंटरव्यू देने का, जब आप लोग की न्यूज़ चलती है, मैं इसके नीचे कमेंट पढ़ता हूँ कि आंवर साहब के लिए शक्कर गिरा रहे हैं, आंवर साहब के लिए ये गिरा रहे, मैं शक्कर वक्कर नहीं गिरा रहा हूँ। मेरी एक छोटी सी राजनीति है, मैं सोचता हूँ मैं अपने वार्ड के अंदर काम करूँ, मैं लोगों के ताल्लुक बना के रखूँ, मेरे को बड़ी पॉलिटिशियन कोई करनी ही नहीं है, बराबर है। दूसरी चीज़ हम शक्कर, मैं मुमरा कौसा के कार्यकर्ता को मैसेज देना चाह रहा हूँ एनसीपी के, वो सो क्यों रहे हैं, वो क्यों नहीं जग रहे? आज दूसरी बार, पहली बार चप्पल से मारे उनके फोटो पे, आज दूसरी बार उनका पुतला जला दिए, तो ये क्यों सो रहे हैं? ये डर रहे होंगे जब ही सो रहे होंगे। कहीं ना कहीं ये भी जानकारी हमें मिल रही थी कि एमआईएम की तरफ से कलवर मुमरा विधानसभा का जो अध्यक्ष है आपको चुना जा रहा था, मतलब आपको बनाया जाता, क्या कहेंगे? आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अल्लाह जरूर बनाएगा, वक्त का इंतजार है, 2 महीने में फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाह तो बनूंगा। नहीं भाई, आपने काफ़ी कुछ कहा जितिन अवार को लेकर, उनकी थोड़ी तारीफ की, उनके थोड़े से आपने ये भी थोड़ा सा जरूरत के लिए आपने कहा, लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि जो आरक्षण जमीन है मुमरा में काफ़ी सारी है, उसके ऊपर जो कब्जा किया जा रहा है, जो प्लॉट बनाया जा रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये भी तो जो बन रहा है वो आमदारकी के अंदर ही बन रहा है ना, क्योंकि कलवा मुमरा के आमदार जितिन अवार है। नहीं, बात बिल्कुल सही है, वो तो आमदार है अपने कलवा मुमरा को, तो मानना पड़ेगा, नहीं भी मानने का तो अपने को मानना ही पड़ेगा। कब्जा कैसे किया जा रहा है? कब्जा नहीं है तो कैसा है ना, जो बिल्डिंग का मुद्दा बता रहे ना, जो रिजर्वेशन प्लॉट, वो रिजर्वेशन चीज़ आज भी उधर ही है, और वो चीज़ उधर पे कैसा ना, एक मुआहदा हुआ है बिल्डर से, तो बिल्डर ने एक पक्ष रखा है उधर पे कि इतनी सारी चीज़ बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप मुझे एक बिल्डिंग बनाने दो तो मैं वो एक प्रोजेक्ट को पूरा करूँगा। देखो जिसको मालूम नहीं थी ना वो उड़ रहे हैं, समझे कि नहीं? मालूम होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मैं माहिती अधिकारी हूँ, मैं खुद पेपर डाल के निकालता हूँ, मैं माहिती निकालता कि कैसा है उधर पे, कैसे बस, जैसे बस डिपो है, बरा अभी वो 4 बिल्डिंग काम है, अब रिजर्वेशन वहाँ पे 5-6 है, इतना बनाने के मेरे पैसे ही नहीं जब रहेंगे, तो मैं उस तरफ एक मांग किया हूँ कि भाई मुझे एक फाइनल करने दो, तो मैं आपकी एक चीज़ फाइनल करता हूँ, तो वो उनको फाइनल करना ही है, क्योंकि वहाँ उनका वो पेपर वर्क हुआ है, तो मैं चिल्लाते रहूँ उसका कोई फायदा नहीं होगा, चिल्ला के क्या होगा, कुछ होने वाला है क्या? अरे जो रिजर्वेशन की कल जो बात कर रहे थे आपके इंटरव्यू में, वो खुद हॉस्पिटल रिजर्वेशन की बिल्डिंग बनाए सैफरोन, उनका बंगला ही ले जो रिजर्वेशन पे, तो आवाज साहब को बोलो फिर फैसला करने के लिए, जब वो ही बोलते ना, आवाज साहब फैसला कर देते हैं रिजर्वेशन के ऊपर, तो बोलो फिर फैसला करने। इंटरव्यू तो काफी लोग ने दिया, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो आप कल के इंटरव्यू की बात करो जो मैं सुना हूं, जो रिजर्वेशन के ऊपर बोल रहा था, वो हॉस्पिटल रिजर्वेशन में बिल्डिंग का नाम लिया मैंने, अब सुने नहीं सैफरोन,
सैफरन हॉस्पिटल रिजर्वेशन बनी और जो बंगला माजी बना है इनलीगल वो भी रिजर्वेशन पे। अच्छा मैं क्या होता हूँ मुंबरा के रहने वाले को मेरा ये सवाल है, ठीक है मेरा घर कौसा में मगर जब भी मेरा शहर है मैं मगर ये बोलना चाहता हूँ मुंबरा के रहने वाले पे, वहाँ पे इतने लोग कार्यकर्ता वहाँ पे लोग नगर सेवक कौन सी भी पार्टी के रहने दो रिक्शा स्टैंड का है, आप सवाल करो पूछो रिक्शा स्टैंड का है। आज रिक्शा स्टैंड के ऊपर बिल्डिंग बन गई, आज मुमरा स्टेशन के सामने रिजर्वेशन के ऊपर वीरानी ने पूरा बिल्डिंग बना दिया है, आप जाके रिक्शा स्टैंड ढूंढो, सर्वे करने लोग आए मेरे साथ में, मैं तुम्हें कंप्लेंट अब डाला हूं तो दीवार खड़ी कर रहा है उस पर रिक्शा कितनी जाएंगी, एक रिजर्वेशन खाली प्लॉट होना चाहिए कि वहां पे कम से कम 1000-2000 रिक्शा पार्किंग होना चाहिए, अब वो पार्किंग जाके देखो आप सब मुमरा में चल रहा है, रोकने पे चाहोगे ना आप रोक सकते, जब आपका रोकने का मन ही नहीं होगा तब कैसे रोकोगे, क्योंकि मुमरा वाले के जो बड़े बड़े नेता है वो सो रहे क्या, उनको उनको जागने नहीं हो रहा है, आज हमारे भाई लोग जो रिक्शा चला रहे सब कर रहे मेहनत के दो रोटी कमा रहे उनके लिए रिक्शा स्टैंड किधर है, हाँ उनको यहाँ की बहुत फिकर है, अरे वहां की भी तो फिकर करो भाई, रिक्शा स्टैंड का मुद्दा उठाओ, हाँ गार्डन गार्डन की बात करते एक गार्डन बना दो घास वाला के पास, आप जाके देखो चालू क्या बंद है, ना बजट नहीं कुछ नहीं, लोगों से मिलके पैसा लेके बना दिए दोस्ती यार में, 2 लाख तू दे 2 लाख तू दे और बन गया, आज क्या है गार्डन की हालत, कहाँ गया तुम्हारा वो बड़ी स्क्रीन लगी थी जहाँ तुम्हारे फोटो चल रहे थे, स्क्रीन भी निकाल दी तो कहते हैं ना कि गार्डन हमने बना दिया, लेकिन वो अरे नीलेश भाई गार्डन आपने बना दिए, गार्डन यूज हो रहा क्या वो सबकी ओपनिंग हो रही थी वो 2013 में, जैसे मैं न्यूज सुना 2013 में लाइब्रेरी की ओपनिंग हुई, 2014 में एमएलए इलेक्शन हुआ, लाइब्रेरी आज क्यों नहीं मेरी 9 साल से, ये सवाल उनसे पूछो भाई मेरे से क्यों पूछ रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो कोई चीज मेरे से नहीं हो रही ना मैं कोर्ट जाऊंगा हाईकोर्ट, मैं हाईकोर्ट से फैसला लाऊंगा इंशाल्लाह, मैं आंदोलन करूं भूख हड़ताल बैठूं वो सब मसले का हल नहीं है, आप पेपर वर्क करने का कंप्लेंट डालो कुछ कंप्लेंट में मसला हल नहीं हो रहा, आप वो कंप्लेंट को लेकर हाईकोर्ट में जाओ आप सही है तो। मैंने पेपर था मेरी कंप्लेंट है मैं आपको पेपर भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, टीएमसी के अंदर शहर विकास के अंदर, तो कोर्ट में क्यों नहीं, कोर्ट में अभी क्या दूसरी कंप्लेंट हुई है बराबर, ये दो कंप्लेंट में मेरी कार्रवाई नहीं हुई, मैं कोर्ट जाऊंगा ना भाई, अब तक मुमरा कहेंगे कितने मुद्दों को लेकर कोर्ट गया, मैं अभी जो है मुमरा टावर के लिए गया हूँ, मुमरा क्लासेस के लिए गया हूँ, मुमरा हॉस्पिटल के लिए गया हूँ, ये मेरा तीनों का पीआई ले नतीजा भी हाईकोर्ट में टाइम लगता है, इस्लामुद्दीन माई से गए वहाँ गए फटाक से मेरा नंबर आ गया, अभी मेरे को जो है 6 महीना डाल के हुआ है, अभी जब बोर्ड को ऊपर आएगा जब भी चलते रहेगा ना, अभी थोड़ी मैं डायरेक्ट मैं डाला हूँ तो मेरा फैसला, देखो इलीगल क्लास का मसला ऐसा है मुमरा कोसा की, मैंने अभी उससे पेपर वर्क ही नहीं किया हूँ, जब मुझे चीज मालूम है जो बिल्डर लिया है जो भी बिल्डर लिया है एक्स वाई जेड, अरे तो बहुत सी जमीन है अभी, जैसे जैसे डीजेट के पीछे कब्रस्तान था स्लेटर हाउस था बराबर ना, तो वहां पे बड़े बड़े लोग गए ना उनका, अभी एक ही कप पाइल डबल डबल डालू कैसा चलेगा इस्लामुद्दीन भाई, अभी हनीम भाई तो प्राइवेट हॉस्पिटल के लड़ है ना, अभी उनका ही बोर्ड के ऊपर आने वाला है जनसा जल इंशाल्लाह, उनको भी फैसला उनके हक में आएगा, तो लोग गए वो चीज़ के तो फिर वो चीज़ को मैं रिमाइंडर में क्यों जाऊँ, मैं दूसरी चीज़ के लिए जाऊँगा ना फिर,